हेलो फ्रेंड्स, आप सबको ज्योति का सुवेका जय जिनेन। चलिए फ्रेंड्स, ये आलू और ग्वार की फली मिक्स करके सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, टेस्टी टेस्टी। और ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ा सा करारा करारा सेक लो तो सब्जी का और स्वाद बदल जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आलू फली की सब्जी मिक्स करके बना रही हूँ। बीन्स की तो मैंने रात को बनाई थी, लेकिन ये ग्वार की फली आई थी तो मैंने सोचा थोड़ी सब्जी थी, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सब्जियों को साफ़ करो तो इनका कूड़ा ही निकल जाता है। तो इसमें मैंने दो तीन आलू मिक्स करके इस तरीके से सुबह नाश्ते के लिए बना लिया है। और उधर मैंने फ्रेंड्स कचरी की लौंजी भी बनाई है, क्योंकि आपको पता है हमारे घर में कचरी की लौंजी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आलू फली की सब्जी सुबह नाश्ते के लिए और ये कचरी की लौंजी बनाई है फ्रेंड्स। और उधर मैंने पराठे वगैरह सेक लिए हैं, जिसको पराठे खाने वो पराठे खाएगा, जिसको फुलके खाने वो फुलके खाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे घर में, आपका वेलकम है। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है और इधर मेरी ये कचरी की लौंजी भी तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मेरा ये सामान ऐसे ही बिखरा बिखरा सा हो रहा था, मतलब सेटिंग नहीं हो पा रही थी सामान की। क्लिप हैं, क्लेचर हैं, रबड़ बैंड वगैरह हैं, तो उनको मैं बस अलग अलग सेट करके रख रही थी। कई दफ़े ऐसा होता है फ्रेंड्स कि लगाओ और जल्दबाजी में ऐसे ही रखा रहता है, तो इस सामान को आज मैं अच्छी तरीके से सेट कर रही थी। तो मैंने सोचा जब मैं ये कर ही रही हूँ तो आप लोगों के संग शेयर करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे क्लेचर हैं, ये देखिए शौक है, ला के रखे हुए हैं, जब लगाने का मौका मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लावर वाला रबड़ बैंड है, ये छोटी छोटी क्लिप हैं, और इधर ये क्लेचर हैं, और ये रंग बिरंगे रबड़ बैंड स्टाइलिश। और ये थोड़े से क्लेचर मैंने इसमें रख दिए हैं जिससे कि और ज़्यादा बिखरे नहीं। ये इस तरीके से चिमटी लाई थी फ्रेंड्स, क्लिप फैंसी, ये दो तरीके की लाई थी, दोनों ही डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको समेट देती हूँ, क्योंकि काम मेरा बाकी का सारा हो गया था किचन का, बस कमरे में आई थी तो ये अपना ये सामान सेट करने में लग गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट इसको एक साइड करके रख देती हूँ मैं। चलिए फ्रेंड्स, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और फिलहाल ये मम्मी तो अपने वॉक करने के लिए लग रही हैं, वॉक कर रही हैं घर में ही, और इधर मैं बच्चों को खाना दे रही हूँ। मैंने दोपहर को घी चने की दाल और राइस बनाए हैं, तो ये कनक कहने लगा मम्मी थोड़े राइस फ्राई कर देना, क्योंकि उसको ऐसे सिंपल जो राइस होते हैं हींग जीरे में फ्राई करके बहुत पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने उसके वो भी कर दिए हैं, ये देखिए। तो दिव्या बोली मैं भी यही खाऊंगी, अपना अपना स्वाद है, वैसे बनाती हूँ वो कम पसंद आते हैं और इस तरीके से इन्हें ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा उबाल दिए थे ये राइस को, और मेरे को क्योंकि घी चने की दाल से ही खाना है, ये घी चने की दाल बनाई है, तो मैं तो उसी से खाऊंगी, चावल मुझे उसके साथ पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको दे देती हूँ फटाफट खाना, बच्चों को भूख लग रही है। तो चलिए, ये मैंने दिव्या के लिए कर दिए हैं। और फ्रेंड्स, है भी नवरात्रे, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं और आज नौरते का पहला दिन है। तो इधर दिव्या अपना खाना लेने में लग रही थी और अपनी प्लेट वगैरह लेके बस अब ये जाने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर बाद। गई दिव्या तो खाना खाने, मम्मा के बेटे हैं, मम्मा के बेटे, कबूतर बहुत प्यासा, बहुत प्यासा, चिड़िया का नहीं है ये। देखिए फ्रेंड्स, आज मौसम कैसा हो रहा है, वैसे अच्छा है लेकिन मच्छर बहुत हो गए हैं पता नहीं क्यों। नीचे मैं पराठे बना के आई थी, बस सब्जी बनानी है मुझे, भिंडी धो के रख के आई हूँ, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी मैं। सुबह मैंने आलू फली बनाई, कचरी की लौंजी बनाई, घिया चने की दाल बनाई, उसके साथ राइस बनाए। अब मैं सोची इनको भिंडी बना दूंगी, खा लेंगे भिंडी से पराठे। कचरी की लौंजी भी रखी है, दाल भी रखी है, पर वो थोड़ी थोड़ी चीज़ थी, उससे फिर सबको कम रहता है, इसलिए मैंने सोचा भिंडी और बना लेती हूँ मैं। क्या कह रहा है, इधर ला इसे। रियांश आया हुआ है छत पे हमारे पास, तो जब आपको पता ही आता है तो बस उसे नीचे जाने की लगती है। भैया वो कहाँ है, वो ये इधर आ, वो ये पूछ रहे हैं सारे जने। एक मिनट, रियांश आपसे बोल रहा है। हाँ, कहाँ गया रियांश पर, ये लो ये रहा रियांश। रियांश से कुछ बात करना चाह रहे हैं। हाँ। पूछो अंकल कैसे हो। कैसे अंकल। हाँ बोलो, और बोलो। अच्छा? मेरी चोट सही हो गई, दिखाओ, बोलो। हाँ। बोलो, मेरे चोट लग गई थी। लगी थी चोट। कैसे लगी थी बता, सारी बात बता, उन्हें नहीं पता तेरे कैसे हुआ था, क्या हुआ था। मैं ट्रीच में गया था। नहीं मुझे नहीं, मुझे तो पता है सब कुछ, इनको बता तेरे चोट कैसे लगी थी। टेन। इनको बताना कैसे लगी थी।
पीछे। नहीं बता रहा? अरे बताया। ओ नहीं, चल मत चल मत चल मत चल मत। दिव्या जाओ, आपकी मम्मी ट्रेन देखने जा रही है, जाओ जाओ जल्दी। बोल मछली रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। इसको तो कुछ भी नहीं आता, तेरे भाई को तो, पर इसको भी आती है? नहीं आता ना? अक्कड़ बक्कड़ आता है इसे। अक्कड़ बक्कड़ आता है? ओए इधर आ। मेहंदी भी अच्छी लगा रखी है। मेहंदी किसने लगाई तेरे पर, ये बता। दीदी ने। कौन सी दीदी ने? सामने वाली दीदी ने जो रहती है तुम्हारे घर के सामने। अच्छा इधर। अक्कड़ बक्कड़ आता है ना तेरे को? मैं ना तेरे को इसको मत दियो अब की बार टॉपी। पकड़ ले लूलू, पकड़ ले इसको। इसको तेरे को कबूतर का बच्चा दिखाऊंगी, इसे नहीं दिखाऊंगी अब।